नमस्कार, एमकेएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बैतूल पुलिस ने 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि एक महिला को भी गांजा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में पाए गए हैं, जिसके आधार पर पुलिस इस मामले में बड़े रैकेट की तलाश कर रही है। SP निश्चल एन झाविया ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि 3 लड़के अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर बस से बैतूल बेचने आ रहे हैं। बैतूल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2,81,000 रुपए का गांजा बरामद किया। पुलिस ने रामनगर क्षेत्र से एक महिला को भी गांजा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिनका कुछ दिन पहले ही गांजा के पैकेट बेचने का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने उनकी तलाशी के दौरान गांजा भी जब्त किया। बताया जा रहा है कि पुलिस पकड़े गए आरोपियों के जरिए इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आरोपी गांजा कहां से लाते हैं, इसका सेवन कैसे किया जाता है, इसे कहां रखा जाता है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। विगत दिनों एक ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि शहर में कहीं गांजे की बिक्री हो रही है, तो उस सूचना पर हमने अपना मुखबिर तंत्र डेवलप किया और जो मुखबिरों की जानकारी है उस जानकारी के पश्चात हम लोगों ने कल रात को 3 व्यक्तियों से अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगभग 14.5 किलो गांजा बरामद किया है और उसमें 3 आरोपी भी हमसे मिले हैं। उनसे अभी पूछताछ जारी है और हमको उम्मीद है कि कुछ जो गांजे की जो तस्करी हो रही थी और जो शहर में आ रहा था और उसके बारे में और भी हमको जानकारी मिलने की उम्मीद है, तो संभवतः कुछ आरोपी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है हमको उम्मीद है कि और बढ़ सकते हैं। सर, क्या लगता है कि बड़ा रैकेट काम कर रहा है? देखिए, यहाँ पर जो महिला इसमें इन्वॉल्व थी उसके लिए ये गांजा लेकर आ रहे थे, उसे भी आरोपी बनाया गया है और अभी 3+1 4 लोग हैं जो इसमें आरोपी बने हुए हैं और जैसा मैंने बताया कि संभावना है कि और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है। देखिए, अभी जो हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है उसमें हो सकता है, जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों चोरी में भी कुछ महिलाओं के नाम आए थे, इस प्रकरण में भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ जो बिक्री हो रही थी वो महिला ही बिक्री कर रही थी और पूर्व में उसके खिलाफ 7 प्रकरण पंजीबद्ध भी थे, लेकिन जमानत पर छूट के आने के पश्चात पुनः इस धंधे को वो प्रारंभ कर देती थी। अभी हम इन्वेस्टिगेशन इसका कर रहे हैं, पूछताछ इसमें लगातार जारी है और कुछ हमारी साइबर टीम भी डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है, तो जैसे भी साक्ष्य आएंगे उस अनुसार हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे।